ऑर्डिनेट कितना है, एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू वन है, ठीक है। अब ओके फाइन। तो अगर यहाँ पे मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, अब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हम निकाल सकते हैं। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होगा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ अगर मुझे निकालना है, राइट, देखते हैं। कुछ तो इस तरीके से होता है ना, am I right? यस सर। है ना, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ओके, अब जो है यहाँ पे मुझे निकालना है एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू माइनस टू एंड एक्स इक्वल टू वन। अच्छा ओके ओके हाँ, तो ऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, वाई कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो माइनस टू मतलब कुछ तो इधर कुछ तो रहेगा रफली, और एक्स इक्वल टू वन कुछ तो ऐसे रहेगा, ये थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है कि थोड़ा ये बड़ा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू है, राइट। तो एक चीज यहां पे ध्यान में रखना है कि ये जो एरिया जो हो रहा है, एक मिनट, ये जीरो है, यहाँ पे वन है, ये माइनस टू है, राइट। अच्छा, तो यानी जीरो से माइनस टू में अगर देखे तो ये जो ग्राफ है मतलब जो एरिया जो हो रहा है वो नेगेटिव होगा, करेक्ट ना, और जीरो टू वन में पॉजिटिव होगा, करेक्ट। तो अच्छा, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, ओके ओके। तो अगर एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से माइनस टू के बीच में होगा तो वाई क्या होगा, निगेटिव होगा, राइट, और जीरो से वन के बीच में होगा तो वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है मैम, क्लियर हो रहा है। ओके यस सर। तो बट हम एरिया निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। जो एरिया होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग माइनस टू से लेके जीरो तक, ये निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो एक माइनस साइन मैं बाहर लगा देता हूँ, वाई डी एक्स प्लस फिर जीरो से लेके वन तक ये कितना होनी चाहिए, वाई डी एक्स, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, देखते हैं, क्लियर है इसमें कुछ, यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, इट्स क्लियर। ओके इट्स क्लियर। सो वाई की जगह अपन क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं माइनस टू टू जीरो, वाई की वैल्यू एक्स क्यूब डी एक्स, और यहाँ पे जीरो टू वन एक्स क्यूब डी एक्स, तो माइनस, और इसका इंटीग्रल अपन निकाल दिया हमने, एक्स टू द पावर फोर बाई फोर माइनस टू टू जीरो प्लस एक्स रेज टू फोर बाई फोर जीरो टू वन, करेक्ट। अब अगर वैल्यू हमने रखा तो माइनस तो ऐसे ही है, जीरो तो जीरो हो जाएगा, और माइनस ऑफ माइनस टू रेज टू फोर मतलब कितना हो गया, सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन बाई फोर, ठीक है, माइनस माइनस, ओके, प्लस ये कितना होगा, वन बाई फोर ले तो जीरो, मतलब सिक्सटीन बाई फोर प्लस वन बाई फोर तो कितना हो जाएगा, ये सेवनटीन बाई फोर, तो फिफ्थ का जो आंसर है डी आएगा, सेवनटीन बाई फोर आ जाएगा ये आंसर। अब मिसलेनियस कौन सा मिसलेनियस में बोल रही है ना, बुक्स में क्या, टेक्स्ट बुक में, यस सर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 188 क्वेश्चन नंबर 3। हालांकि यही रहेगा आंसर, वहां पे हो सकता है 188। अच्छा, अरे हाँ, ओके ओके ओके, अरे इन्होंने आंसर क्या दे रखा है बुक्स में, सर थर्ड का सी दिया है उन्होंने, एटलीस्ट मेरे बुक में। एक मिनट,
नहीं, यही रहेगा, 17/4 ही रहेगा, वो करेक्ट कर लेना, अगर सी दिया है तो 17/4। हाँ सर, हमने वो एरिया नेगेटिव लिया है क्या? नहीं नहीं वर्ड एरिया नेगेटिव नहीं लिया है, बट एरिया जो है ना ये नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है, तो इसको टू मेक इट पॉजिटिव राइट हमने इसको माइनस, बिकॉज यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी 0 और -2 के बीच में, अगर तुम कुछ भी रखती हो यहाँ पे x की वैल्यू, तो y विल बी नेगेटिव राइट, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस साइन बाहर निकाला है। ओके यस सर, क्लियर ना? हाँ क्लियर है सर। ठीक है, कैन वी गो अहेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? एट्थ क्वेश्चन, एट्थ था ना आई थिंक, स्प्रुहा का एट्थ था राइट? यस सर। ठीक है, इसको आप लिख ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। एट जो क्वेश्चन है बेसिकली एट, सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 राइट, तो y इक्वल टू x क्यूब है और यहां पे क्या है y इक्वल टू x स्क्वायर है एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, बढ़िया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर डायरेक्टली मेरे से पूछे, इसका ग्राफ भी मैं ड्रॉ करके बता सकता हूँ, ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक y इक्वल टू x स्क्वायर है, तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब हो गया कुछ इस तरीके से, है ना, अपवर्ड पैराबोला होगा, पैराबोला ये दिख नहीं रहा बट ठीक है, आप कंसीडर कर ले इसको, ओके, और y इक्वल टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होता है ना, देखो ये हो गया, आई मीन पता नहीं ये और गंदा बन गया, अब कुछ तो इस तरीके से y इक्वल टू x इक्वल ग्राफ हो रहा है, ठीक है, ये इसमें इन दोनों को इंटरसेक्ट कुछ तो ऐसे गैप रहेगा राइट, इसमें बिकॉज और एक ग्राफ आने वाला है तो मुझे तो दिखाने के लिए तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब ये y इक्वल टू x क्यूब मान लो इसको कुछ इस तरीके से ऐसे है, y इक्वल टू x क्यूब ग्राफ ये है, ये जो बन गया y इक्वल टू x स्क्वायर है राइट, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और 2 मतलब कुछ आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आई थिंक आना चाहिए, मैं जस्ट एक लमसम एक जस्ट एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 और 2 पे, ठीक है, और मुझे एरिया निकालना है, ठीक है, यानी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x क्यूब y इक्वल टू x स्क्वायर एंड द ऑर्डिनेट, ओके, तो ये x इक्वल टू 1 हो गया और x इक्वल टू 2 हो गया, यानी हमको एरिया जो निकालना है, कौन सी एरिया निकालनी, ये वाली एरिया निकालनी होगी, हाँ है ना, ये y इक्वल टू x स्क्वायर की ग्राफ ये होगी y इक्वल टू x क्यूब और x इक्वल टू 1 और 2, इसका मतलब यही वाली एरिया हमको निकालनी है, हाँ है ना? यस सर, यस समझा मुझे, आया सर मेरा अभी ग्राफ ही नहीं बन रहा था मेरा इस, तो जस्ट मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ, y इक्वल टू x क्यूब है तो y इक्वल टू x स्क्वायर, तो आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पे y इक्वल टू x स्क्वायर वाली ग्राफ से
ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और लिमिट्स दे दो इन वन से लेकर टू तक, तो ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। आई थिंक बुक्स में कितना दे रहा है, 17/12 है आंसर। यस यस सर, आ रहा है वो। ठीक है, कैन यू गो अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 9? हाँ सर, हाँ हो गया लिख के। ठीक है, नाइन्थ में जाते हैं, तो नाइन्थ में अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई इक्वल टू वन। ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई इक्वल टू वन। वेट अ सेकंड, अच्छा ठीक है ठीक है, फोर्थ भी करना है तो फोर्थ भी कर लेंगे हम, फोर्थ भी कर लेते हैं, इसके बाद नाइन्थ के बाद कर लेते हैं। ठीक है, सो हम फोर्थ भी कर लेंगे। सो वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन एंड वाई इक्वल टू वन है, तो एक काम करते हैं इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, तो अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक काम करते हैं, वाई इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन जो है, एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी, एक्स माइनस वन ही होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन वन होती है तो ये वन माइनस एक्स होगा, हाँ या ना, ये बताओ, ये समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब ये क्लियर है, तो अब एक ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ओके ठीक है, तो y इक्वल एक्स माइनस वन की ग्राफ, बिकॉज x जो है ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो अगर मान लो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स माइनस वन की ग्राफ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू एक्स माइनस वन, और देखो वन माइनस एक्स जो है दोनों का स्लोप क्या है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है, तो ऑब्वियस ही बात है वन माइनस एक्स इसके परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट ना, जो स्लोप है दोनों स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है m on m equal to minus one, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर ये क्या होगा, ये कुछ तो ये कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। तो ये जो ग्राफ हो गया ये y equal to one minus x की ग्राफ होगी। ठीक है, अच्छा मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा तो मेरा 1,0 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स अगर 0 रख लिया है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 0,1 आ जाएगा। अच्छा, और y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 का मतलब क्या होना चाहिए, दिस विल बी लाइक दिस पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये हो गया, और ये वाली कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 आ जाएगा, तो 2,1 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब एक ट्रायंगल हो गया बहुत सिंपल, एक काम करते हैं यहाँ पे हम h ले लेते हैं, ये हाइट हो गई, हाइट हम हमको बेस तो पता चल गया है, हाइट कितना है 1 है और बेस कितना है 2 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इस आंसर, तो 9th का भी आ जाएगा। सर वो ओरिजिन से जो लगा हुआ ट्रायंगल है वो हम नहीं लेंगे क्या? कौन सा? उसके साइड वाला? नहीं, पूरा ले रहे हैं ना अपन, ये देखो हाफ इन एक ट्रायंगल हो गया ना, मान लो इसका नाम ए दिया, इसका बी दिया और इसका सी दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस पूरा हो गया ना, ये दो यूनिट लिया और हाइट यही है ना, तो नहीं, नहीं, मैं पूछ रही थी कि अगर ओरिजिन ओ है तो ओ ए बी नहीं लेंगे क्या हम? नहीं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई है ना, तो बाउंडेड बाई मतलब ये लाइन और ये लाइन घिरा हुआ जो सराउंडिंग होती है, तो यही आएगा ना अंदर, इसके बारे में तो कुछ, तो ओरिजिन के बारे में तो चर्चा ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। हाँ ओके सर, समझा। ठीक है, फोर्थ है,
सोहम फोर्थ है ना आपका? ओके यस सर. ओके ओके सो एक मिनट. अच्छा अच्छा लिख लो. सो y इक्वल टू लॉग x का जो ग्राफ जो होना चाहिए कुछ लमसम है बना रहा कि कुछ इस तरीके से होता है. ओके ये हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ x की ग्राफ टू द बेस c. ठीक है अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 2 है. ओके एंड द x एक्सिस. ठीक है x एक्सिस तो हो गया और ओके ओके ये 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ना यहाँ पे बिकॉज अगर x की वेट सेकंड यहाँ पे 1 हाँ x की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखा तो y की वैल्यू 0 होना चाहिए तो log 1 या तो ये 1 हो गया. अच्छा अब जो है यहाँ पे x की वैल्यू कितना है x इक्वल टू 2 पे. ठीक है तो x इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया कुछ तो ऐसे रहेगा ये मान लेते हैं अपन x इक्वल टू 2 राइट यानी अपने को जो एरिया जो निकालना है वो ये वाली एरिया निकालनी है ना और ये वाली एरिया निकालनी है मतलब हो गया एरिया इक्वल टू लिमिट्स हमको दिख रहा है 1 से लेके कहां तक 2 तक तो इंटीग्रल ऑफ ln x में लिख देता हूं log ऑफ x टू द बेस c को dx और लिमिट्स शुड बी 1 टू 2 और log x के लिए हम इंटीग्रल कैसे निकालेंगे बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा है ना लॉग एक्स का इंटीग्रल तो अपने को पता नहीं है. ठीक है तो लाई रूल अपन लगा लेते हैं यहाँ तो फर्स्ट फंक्शन जो है लॉग एक्स को लेंगे सेकंड फंक्शन 1 को. ठीक है ये 1 से लेकर 2 तक माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स और होल इंटीग्रल और इसकी लिमिट जो है 1 से लेकर 2 तक तो ये log x इंटू एक्स आ गया लिमिट्स आप 1 से लेकर 2 तक दे दो और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 बाई एक्स होता है और dx का इंटीग्रल x होता है dx ये फिनिश. तो अगर यहाँ पे लिमिट्स रख लिया तो 2 log 2 हो गया और 1 रखेगा तो log 1 0 हो जाएगा आपको ये तो हटा दो माइनस इंटीग्रल ऑफ dx कितना हो गया x और लिमिट्स रखोगे 2 से 1 तो 2 माइनस 1 1 आ जाएगा तो आंसर है क्या यस तो 2 log 2 माइनस 1 ये आंसर हो जाएगा फोर्थ का बी आ जाएगा. गॉट इट सर. कैन वी गो अहेड फॉर लिमिट्स वाले प्रॉब्लम और किसी को कुछ पूछना है जिन्होंने सॉल्व किया है और कुछ आई थिंक बाकी सब तो हो गए रहेंगे. Yes, can we go ahead? Just बताइए अगर हम आगे बढ़ सकते हैं तो. Is there any more doubt? और किसी को कुछ doubts है क्या? सर वो limits वाले questions एक हाँ नहीं नहीं limits वाला तो वही पूरा मतलब details में मैं बताने वाला हूँ उसका rules क्या है तो फिर आसान हो जाएगा. इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे question हैं तो मोस्टली आई ट्राई मैं बेस्ट कि मैं 10 लगभग 5-6 क्वेश्चंस है तो वो पूरा मैं डिटेल्स में बता देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट हर चीज़ है यहाँ पे बट थोड़ा ये लास्ट क्लास में मेरे दिमाग में आया नहीं था बट एनीवे मुझे पता था कि यहाँ पे आएगा तो एक बार तो डिस्कस कर लेंगे. चलो फिर डिस्कस करते हैं. सर ओके ओके तो अब जो मैं पहले मैं क्वेश्चन नंबर 10 ही लेता हूँ. ठीक है क्वेश्चन नंबर मैं 10 लेता हूँ और उसी के थ्रू मैं जो फंडा है उसको मैं क्लियर करूंगा उसमें. ठीक है तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखना मत पहले बाद में लिख लेना आप लोग. सर आवाज थोड़ा कट के आ रहा है. ओके एक मिनट. हाँ
पता नहीं कल भी बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था आवाज से, क्लियर नहीं आ रहा था सर। अभी क्लियर है क्या या अभी भी वैसे ही हो रहा है? वैसे अभी क्लियर है। ओके लिमिट यहाँ पे है, लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट है राइट यहाँ पे। वन बाई एम प्लस वन प्लस वन बाई एम प्लस टू डॉट 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 प्लस वन बाई सिक्स एन सिक्स एन ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना कि ऐसे क्वेश्चंस के साथ हम लोग डील कैसे करते हैं। ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके ठीक है, तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं दोबारा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन प्लस वन प्लस वन बाई एन प्लस टू प्लस वन बाई एन प्लस थ्री राइट एंड सो वन करते करते वन बाई सिक्स एन को कहने राइट वन बाई एन प्लस फाइव एन। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जनरल टर्म्स निकालना है, जितना जो एक्सपेंशन दिया है वन बाई एन प्लस फाइव एन, तो इट इज ओके इफ आई राइट वन बाई सिक्स एन को वन बाई एन प्लस फाइव एन। यस सर। ओके अब हम क्या करते हैं इसको सिग्मा के टर्म्स में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो ये पूरा है, अगर इसका अगर मैं जनरल टर्म्स अगर मैं निकालू तो देखो वन बाई एन प्लस आर में लिख सकता हूँ। देखो आर की वैल्यू अगर वन रखा तो ये मिल जाएगा, आर की वैल्यू टू रखा तो ये मिल जाएगा, आर की वैल्यू थ्री रखा तो ये मिल जाएगा, आर की वैल्यू फाइव एन रखा तो वी विल बी गेटिंग दिस वन। तो अगर मैं इस चीज को ऐसे लिख दिया लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर फाइव एन तक वन बाई एन प्लस आर कैन आई राइट लाइक दिस, पहले इतना बताओ। सिग्मा तो काफी हमने पढ़ा था सिग्मा से सीरीज में, तो इज दिस ओके एंड अगर आपको क्लियर है तो बताइए यहां तक हम लिख सकते हैं क्या इस तरीके से? यस। ओके अच्छा अब जो है यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आ गया। अब इसके बाद जैसे ही लिमिट्स और सिग्मा के टर्म्स में आ गया ना तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने का एक रूल्स होता है, ठीक है। वो रूल क्या होता है यहाँ पे, तो चलो और एक स्टेप मुझे करना पड़ेगा फिर वो मैं आपको समझा पाऊंगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ठीक है सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर फाइव एन तक, इधर से मैं एन कॉमन ले सकता हूं क्या? अगर एन कॉमन लिया तो वन प्लस आर बाई एन आएगा क्या? तो लिमिट ये पूरा डिटेल्स में मैं बता रहा हूं, फिर बाकी क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर फाइव एन तक आई कैन राइट वन प्लस आर बाई एन वन बाई एन। तो रूल ये होता है, अब जरा ध्यान से सुनना, इसके बाद इंपॉर्टेंट है ठीक है। सिग्मा को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करते हैं ठीक है, सिग्मा को इंटीग्रेशन से हम रिप्लेस करते हैं वन बाई, कहीं भी इस तरीके का फॉर्म आए तो ये रूल है, वन बाई एन को हम डी एक्स से रिप्लेस करते हैं और आर बाई एन को हम एक्स से रिप्लेस करते हैं ठीक है। तो हमको लिमिट्स के भी बारे में डिस्कस करना पड़ेगा है ना। तो अब देखो यहाँ पे लोअर लिमिट्स वन है राइट, आर की वैल्यू जो है वन है और एन की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है। तो हमारा लोअर लिमिट्स कितना हो जाएगा बताओ? आर की वैल्यू वन और एन की वैल्यू इनफाइनाइट, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट इस इंटीग्रल का? जीरो। जीरो करेक्ट। यहाँ पे देखो आर की वैल्यू हम वन रख रहे हैं और एन की वैल्यू जब इनफाइनाइट टेंड्स करेगा तो इसका लोअर लिमिट जीरो हो जाएगा। अच्छा अपर लिमिट के बारे में सोचते हैं,
आर की वैल्यू 5n रखिए यहाँ पे, आर की वैल्यू 5n राइट, आर की वैल्यू 5n रखोगे और n की वैल्यू यहाँ पे n को n ही रखो, इस केस में कितना आ जाएगा ये खत्म, तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना आ जाएगा सर वो 5 से डिवाइड क्यों किया n से डिवाइड नहीं नहीं ये x की वैल्यू r by n है ना हाँ, ओके, ओके. तो n को मैंने एज इट इज छोड़ दिया ठीक है, n को यहाँ पे हमने एज इट इज छोड़ा और यहाँ पे अपर लिमिट 5n है तो r के जगह हम लोग 5n रखा, तो n n कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा x की जो अपर लिमिट है मतलब ये हम लोग x की टर्म्स में हम लोग मतलब जो इंटीग्रेट करेंगे x की रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, तो अपर जनरली मोस्ट ऑफ दी अदर क्वेश्चंस में 0 to 1 आता है ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है तो हमको हर बार ये नहीं तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं 0 to 1 ही रखते हैं, बट एवरी टाइम यू आर सपोज टू चेक ताकि वो गलती ना हो, तो इस केस में हमारी लिमिट्स कितनी आ गई 0 to 5 आ गई ठीक है। अब इसको इंटीग्रल के फॉर्म में अगर मैंने कन्वर्ट किया तो लिमिट्स कितना है 0 to 5 वन बाई एन की जगह डी एक्स रख दिया, आर बाई एन की जगह एक्स रख दिया, तो 1/1 प्लस एक्स इंटीग्रल कितना होगा लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लिमिट्स कितना हो जाएगा 0 to 5 लॉग 5 + 1 = 6 और ये लॉग 1 मतलब 0 आ गया, तो आंसर इसका आ जाएगा लॉग ऑफ 6। समझ में आया क्या? अच्छे ढंग से देख लो और फिर बताओ कुछ डाउट से आप, हम इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, मैं सोच रहा हूँ इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं बताता हूँ उसको, क्लियर है क्या ये बताओ सर, ये फिर से बताइए ना। हाँ जिनको समझ में आया वो लिख ले ठीक है। मैंने ये बताया कि सबसे पहला जो हमारा रूल्स होता है इसके लिए वो ये होता है कि 1/(n+1)/(n+2)/(.). तो हमने 1/ पहले हम जनरल टर्म्स निकालते हैं, अगर आप लोग को याद होगा कि सीक्वेंस सीरीज में हम सिग्मा वाले जो क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें ऑलवेज लाइक वी वर फाइंडिंग कि उसका जनरल टर्म्स क्या है ताकि सिग्मा के फॉर्म में लिख सके ठीक है। तो हम इसका जनरल टर्म्स निकालने के लिए 1/6n को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने n+5 में लिख लिया, इसका जनरल टर्म्स जो निकाला वो 1/(n+r) निकाला। 1/r निकालने का मतलब क्या है कि अगर r की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो वी विल बी गेटिंग 1/(n+1), r की वैल्यू 2 रखा तो वी विल बी गेटिंग 1/(n+2), r की वैल्यू 3 रखा सो विल बी गेटिंग 1/(n+3), r की वैल्यू 5n रखा सो वन विल बी गेटिंग 1/6n मतलब 1/(n+5). इसके बाद प्लस प्लस है तो सिग्मा डाल दिया, सिग्मा का मतलब क्या होता है एडिशन ही होता है, लिमिट्स हमने डाला r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक क्योंकि दिख रहा है ना 1, 2, 3, 4, 5, 4n, 5n तो r की वैल्यू 1 से लेकर 5n तक 1/(n+r). यहां तक समझा क्या आपको सार्थक? हेलो 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 कहाँ गए सार्थक दूसरे बैच में है एक यस सर अभी आ रहा है, वो क्या है ना कि मैं वही बोला कुछ तो गलत बोल रहा हूँ समर्थ था सो 1/(n+r) है। तो हमने क्या किया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, इधर से हमने क्या किया ना क्योंकि 1/(n) को हमको dx एज्यूम करना था तो हमको 1/(n) कहीं से तो निकालना है, तो ये n+r से हमने n कॉमन निकाल लिया, n कॉमन निकाला तो मुझे नीचे क्या मिल जाएगा 1+r/n, इसके बाद हमने रख दिया जी कि 1/(n). इसके बाद रूल ये वाली फिक्स रहती है हमेशा, 1/(n) को dx लेते हैं और r/n को x लेते हैं, तो 1/(n) को तो dx तो ले लिया हमने और r/n को x, लेकिन हमको लिमिट्स भी सेट करना है। फिर मैंने बताया कि सिग्मा के जगह हम इंटीग्रल का साइन देते हैं क्योंकि इंटीग्रल का भी मतलब तो समेशन ही होता है एडिशन होता है। अब लिमिट्स की रही बात तो लोअर लिमिट्स यहाँ r की वैल्यू 1 है और n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो r की वैल्यू अगर 1 रखा तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रखा तो कितना हो जाएगा
वन बाई इन्फिनाइट जीरो हो जाता है, तो लोअर लिमिट जो होगा इस केस में जीरो होगा। फिर अगर अपर लिमिट फाइव है, फाइव एन है, तो आर की जगह अगर हमने इसमें फाइव एन रखा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन एन खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तो अपर लिमिट जो हो जाएगी वो फाइव हो जाएगी। तो लिमिट्स जो आ जाएगा जीरो टू फाइव, वन बाई एन की जगह डी एक्स, वन बाई वन प्लस आर बाई एन को हमने एक्स रख दिया, सो वन बाई वन प्लस एक्स, और वन बाई वन प्लस एक्स का इंटीग्रल कितना हो गया लॉग ऑफ फोर प्लस एक्स, लिमिट्स डाला जीरो टू फाइव लॉग सिक्स आया। बताइए सब अर्थ क्लियर है? यस सर। सॉरी हाँ कभी हो जाता है यार वो। चलिए जरा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, एलेवेंथ ही जो बुक्स का है, तो बड़े अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस हैं, थोड़ा आपको एक आदत लग जाएगी, अच्छा यू विल गेट एन आइडिया कैसे क्वेश्चन किस तरीके से हम डील करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। एलेवेंथ वाला एक्चुअली थोड़ा ईजी कर दिया है उन्होंने, ऑलरेडी सिग्मा के फॉर्म में दिया है, लिमिट्स के फॉर्म में दिया है, तो आप एलेवेंथ ट्राई कर सकते हैं क्या आप लोग? मैं लिख देता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर n तक। अब देखो इस केस में ऐसे केस आर की वैल्यू जब भी वन से लेकर n तक होगी ना तो उसकी लिमिट्स हमेशा जीरो टू वन आता है, ये बहुत फेमस है, बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, उनको लगता है कि अच्छा आंसर, बट वो लिमिट जीरो टू वन कब होगा जब आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक होगी, ठीक है। सो वन बाई एन ई टू द पावर आर, ये देखो 30 से एक मिनट के अंदर पक्का क्वेश्चन सॉल्व होगा, 30 विद इन 30 सेकंड्स। बताइए जरा इस क्वेश्चन के बारे में आंसर्स, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक, वन बाई एन ई टू द पावर आर बाई एन। देखो अभी कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस r by n को आप x कंसीडर कर ले और 1 by n को dx कंसीडर कर ले, है ना, तो लिमिट्स भी वैसे ही आएगा, r का वैल्यू अगर 1 रखो 1 by infinite 0 आ जाएगा और r का वैल्यू 1 by n 1 आ जाएगा, तो एक्चुअली 0 टू 1 e r raised to r by n को x dx, बस e raised to x का इंटीग्रल e raised to x 0 टू 1 e to the power 1 minus e raised to 0, so e ki power 1 e raised to 0 matlab 1, e minus 1 answer hoga, theek hai kya? Yahan tak kisi bhi students ko koi dikkat hai to bataiye, if there is any doubt up to here let me know। Samiksha samajh mein aa raha hai? Ishna Atharv dono Atharv? Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा आपको एक अंदाज मिल जाएगा इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई वन प्लस एन क्यूब। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा कर दिया है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, 4 बाई 8 प्लस एन क्यूब प्लस 9 बाई 27 प्लस एन क्यूब अप टू एन टर्म्स ऐसे दिया है, एन टर्म्स, ठीक है। अब बताओ जरा क्या होगा इसका वैल्यू, एन टर्म्स निकालो तो बेसिकली दिख रहा है आपको, ये वन स्क्वायर है और ये वन क्यूब है, राइट, फिर टू स्क्वायर है और टू क्यूब है, थ्री स्क्वायर है थ्री क्यूब है, तो एन टर्म्स अगर मुझे निकालना है, राइट, जनरल टर्म्स अगर मैं बात करूं, एन टर्म्स निकालना है तो कितना होना चाहिए, कितना एन स्क्वायर एन स्क्वायर, राइट, यहाँ पे जो जनरल टर्म्स अगर मुझे निकालना है, हाँ अथर्व परफेक्ट परफेक्ट सही है, तो एन की जो वैल्यू मतलब जो जनरल टर्म्स जो निकालना है, कैन वी राइट आर स्क्वायर, सॉरी एन की टर्म्स में हम एन टर्म ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, यस नीली सही है सही है, तो
एन टर्म्स जो निकालना है सो दैट विल बी एन स्क्वायर बाय एन क्यूब प्लस एन क्यूब, यही तो होनी चाहिए एन टर्म्स। अब बिकॉज हमको सिग्मा के अंदर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, टी आर आर एच जो टर्म होगा डेट शुड बी आर स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस एन क्यूब, ठीक है। अब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक आर स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस एन क्यूब, राइट, आर क्यूब प्लस एन क्यूब हो गया। अब जो है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक आर स्क्वायर बाय आर क्यूब प्लस एन क्यूब। अब इसको भी कुछ एक स्ट्रक्चर मतलब देना पड़ेगा अगर मुझे डेफिनेट इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगा यहां से कि एन क्यूब कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है, एन क्यूब जो है कॉमन निकाल दूंगा। लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक आर स्क्वायर बाय, अगर हमने एन क्यूब कॉमन निकाला तो वन प्लस आर क्यूब बाय एन क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो है और एक बार लिख रहा हूं, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक आर एस ऐसे लिख दू आर बाई एन का होल स्क्वायर इंटू वन बाय वन प्लस आर बाई एन का होल क्यूब इंटू यहां पे एन क्यूब है एन स्क्वायर है मतलब और एक वन बाई एन रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आ गया। अब बस जो रूल हमने बताया था कि आप वन बाई एन को डी एक्स ले लो और आर बाई एन को एक्स ले लो, जब जैसे ही आप ऐसे रखेंगे और लिमिट्स जो है यहाँ पे मैंने बोला वन टू एन है, इसका भी लिमिट्स क्या हो जाएगा जीरो टू वन, आर बाई एन मतलब एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा वन प्लस एक्स क्यूब और वन बाई एन मतलब डी एक्स। अब क्या कर लोगे आप, सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो, है ना, इतना सारा हमने तो किया है, वन प्लस नहीं ओ और आसान कर देते हैं ना, वन प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस थ्री एक्स स्क्वायर होता तो थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, ठीक है, सही है क्या, या तो एफ डैश ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इसका इंटीग्रल पता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है लॉग ऑफ वन प्लस एक्स क्यूब, लिमिट्स डाल दें आप जीरो टू वन, वन बाई थ्री आप वन डालेंगे तो लॉग टू आ जाएगा और जीरो डालोगे तो लॉग वन मतलब जीरो आ जाएगा, तो एक्चुअली इसका आंसर जो आ जाएगा वन बाई थ्री एल एन टू आ जाएगा। समझ में आया क्या बाकी सारे स्टूडेंट्स को, क्लियर है क्या, दो स्टूडेंट्स हु डिडंट सॉल्व आर दे एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली, यस सर, ओके, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, जिसका हो गया है लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करना है, लास्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सीड बुक्स अगर है तो द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन जो दिया n plus 1 n plus 2 dot 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 2n to the power 1 by n by n when n tends to infinity, ये थोड़ा सा अलग है उसलिए सोचा ये करवाता हूं। तो यहां पे इस केस में मैं कर क्या रहा हूं जरा ध्यान से देखना, लिमिटिंग वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा है, फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन n plus 1 n plus 2 dot 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 2n तक, है ना, 2n तक है, करेक्ट, होल टू द पावर 1 बाय n बाय n व्हेन n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो मान लिया कि l जो है इसका लिमिटिंग वैल्यू है ना, लेट द लेट l इज अ लिमिटिंग वैल्यू, let capital L is a limiting value, let capital L is a limiting value, ठीक है, तो L बराबर क्या हो जाएगा जरा देखना, limit n tends to infinite
because question में दिया है rent tends to infinite, तो we have to write limit rent tends to infinite यहाँ पे. Okay, now see they have given n plus one, n plus two, ऐसे n one, n plus three, ठीक है. आगे टू एन मतलब क्या रहा होगा, एन प्लस एन रहा होगा, am I right? N plus N. ठीक है, N plus N लिखना सही है. लिखते हैं बाद में देखते हैं कि क्या हम कुछ कर सकते हैं जो उसके बारे में. वन बाई एन बाई एन, ठीक है. अच्छा अब जरा ध्यान से देखना, L को छोड़ना नहीं है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. क्या मैं हर एक यहां से अगर मैंने n कॉमन लिया क्या आ जाएगा, n इंटू वन प्लस वन बाई एन. यहां से n अगर कॉमन लिया तो वन प्लस टू बाई एन, यहां से n कॉमन लिया तो वन प्लस थ्री बाई एन. अच्छा ये अब यहां से अगर कॉमन लिया, अगर n अगर मैंने यहां से कॉमन लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या आएगा, वन प्लस वन आएगा, है कि नहीं. अब जरा बताइए समझने के लिए, क्या मैं वन को n बाई एन तो लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है? कैन वी राइट वन को n बाई एन, क्योंकि मैं एक जनरल जनरल फॉर्म में मुझे बनाना है, तो आई एम राइटिंग n बाई एन. ओके, टू द पावर डिवाइडेड बाई एन. अब जरा बताइए एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन कितना बार आ जाएगा, कितना हो जाएगा, एन टाइम्स एन. हाँ तो एन टू द पावर एन हो गया, एन टू द पावर एन, और इसका अलग से टू द पावर वन बाई एन, तो इसको मैं वन बाई एन लिख देता हूँ, ठीक है. बाकी एज इट इज मैं लिख रहा हूँ, वन प्लस वन बाई एन into 1 plus 2 by n into 1 plus 3 by n into 1 plus n by n whole to the power 1 by n divided by n. तो अगर ध्यान से देख रहे हैं तो n into 1 by n ये n हो गया, और जब n हो गया इसका मतलब क्या, ये खत्म हो गया पूरा, हाँ या ना? यहां तक क्लियर है तो बताना, यहां तक अगर क्लियर है तो बताइए, यहां तक ठीक है. ओके ओके ओके. अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ. L इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी है, तो इतना है, मैं क्या कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ. तो जब मैं लॉग लूंगा तो मुझे क्या दिखेगा, लॉग ऑफ L बराबर लॉग ऑफ L बराबर लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट. जब बताइए लॉग ले रहा हूँ तो ये लॉग ऑफ दिस टू द पावर 1 बाई n, तो अगर समझ में आ रहा है तो कैन आई राइट 1 बाई n लॉग की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, लॉग ऑफ लॉग a b c d है तो लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c प्लस लॉग d तो लिख ही सकते हैं, लॉग ऑफ 1 बाई n प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस 2 बाई n एंड सो ऑन, log of 1 plus n by n. यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए. यहां तक आपने सबको log ले लिया क्या बाद में, दोनों साइड में log ले लिया, तो ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये तो जब log जब लेंगे जैसे log a b c तो क्या होता है, log a plus log b plus log c, और ये log ले रहे हैं तो ये पावर है, लाइक log ऑफ a टू दी पावर m, m log a होता है, तो ये 1 बाय n तो सब में मल्टीप्लाई होगा, तो हमने बाहर ही ले लिया और बाकी में log ले लिया, log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस, आई मीन पूरा log ऑफ होल होगा, तो हम इसको प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं ना. यस सर, यस समझा. ठीक है, किसी भी इश्यूज में यहां तक कोई डाउट्स है तो बताइए आप, इफ देयर इज एनी डाउट टेल हियर लेट मी नो. अच्छा अब समझ में आ रहा होगा है ना आगे की हम क्या कर सकते हैं. अब देखो इसके बाद अब मेरा
इच्छा है मैं इसको जनरल टर्म्स में कन्वर्ट करूं, है ना। तो ये तो ठीक है, ये तो इतना आपको भी समझ में आ गया होगा कि वन प्लस आर बाई एन के फॉर्म में हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको सिग्मा के टर्म्स में अगर मैंने किया लॉग ऑफ एल, पहले समझ ले बाद में देख लेना, लॉग ऑफ एल बराबर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट वन बाई एन। अब मैं सिग्मा ले रहा हूं, सिग्मा आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक ही दिख रहा है, आर की वैल्यू वन और एन रख लोगे तो ये आ जा रहा है। तो आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक लॉग ऑफ वन प्लस आर बाई एन, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा आप कर सकते हो एजिटीज भी, आप आर बाई एन को भी एक्स ले लो, बट उससे भी आंसर आएगा, ठीक है। मैं वन प्लस आर बाई एन को एक्स लेता हूं ताकि बाद में इंटीग्रल में वो थोड़ा सिंपल दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। वन प्लस आर बाई एन को मैंने एक्स एज्यूम किया, तो नॉर्मल जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो वन बाई एन ही आएगा, मतलब डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वन बाई एन, बाकी क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी के मन में होगा कि सर यहाँ पे आप आर बाई एन को एक्स क्यों नहीं लिया, आप ले सकते हो, लेकिन लास्ट में ना मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाला हूँ तो इंटीग्रल में वो इजी हो जाएगा, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब लिमिट्स के बारे में क्या आपकी राय है ये बताइए। एक्स की वैल्यू अगर आपने वन रखा और एन की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो अगर यहाँ पे है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, अब एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, हाँ जी, तो आर की वैल्यू आपने अगर वन रखा, ठीक है, तो आर की वैल्यू वन रखा तो देखो यहाँ पे वन बाई एन, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ये जीरो आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा आर की वैल्यू अगर आपने वन रखा तो x की वैल्यू 1 होगी क्या, हाँ या ना, ये बताओ। यस सर। ओके, जब r की वैल्यू n रखोगे आप n बाई एन, तो ये कितना हो गया 1 और 1 प्लस 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, बढ़िया। मतलब अपना जो लिमिट्स है वो तो निकल गया आसानी तरीके से। अब देख लो log ऑफ l इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लिमिट्स 1 टू 2 आ जाएगा, 1 by n के, तो 1 by n की जगह हम dx रख लेंगे, log of 1 plus r by n को हमने x assume किया है dx। अब by parts rule लगा लो आप यहाँ से, integral 1 एक function हो जाएगा log x, I late, तो log x को first function, तो log x into second function limits 1 to 2 minus 1 से लेकर 2 तक डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रल। अब सॉल्व करने आंसर आ जाना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ डी कितना आ गया, एक्स आ जाएगा, सो दिस विल बिकम एक्स लॉग ऑफ एक्स लिमिट्स 1 टू 2 माइनस 1 टू 2 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स dx का x dx, ये खत्म। अब यहाँ पे log of l बराबर ये 2 log 2 आ गया है ना, 2 log minus 1 रखोगे तो log 1 0, तो रखने की जरूरत ही नहीं है। ये x, x का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, ऐसे होगा और लिमिट्स 1 टू 2 रखो तो ये 1 आ जाएगा, तो एक मिनट, 2 log 2 minus 2 माइनस 1 1। अब ये बताइए 2 log 2, 1 को मैं log e लिख सकता हूं क्या, हाँ या ना, ठीक है। अब ये बता दो 2 log 2 को log 4 में लिख सकता हूं, माइनस log b, log a माइनस log b, log a बाई log of 4 बाई a, log l इक्वल टू log 4 बाई b, इसका मतलब l बराबर कितना आ जाएगा,
फोर बाई, तो ये आपका जो होगा लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा फोर बाई थ्री एंड दिस शुड बी द आंसर आई थिंक 15 डे। हाँ सही, फोर बाई थ्री आंसर। बताइए समझ में आया क्या, किसी को कुछ डाउट्स यहाँ पर पूछ लिया। ऑप्शन बी क्यों गलत होगा, ऑप्शन बी क्यों गलत होगा, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन बी, अच्छा ओके ओके ओके, 15 का ए आंसर दिया है, ओके लॉग 4 माइनस, हाँ गलत इसीलिए होगा ना वरदा, ये देखो यही तो ऑप्शन यहाँ भी आया है ना, लेकिन वो लॉग ये वैल्यू कब होगा एक्चुअली, ये लॉग जो बी जो दिया है दैट इज नॉट द लिमिटिंग वैल्यू, वो लॉग एल है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छा हाँ, वो भाई एल की, वो लॉग एल की वैल्यू हो जाएगी। हाँ मतलब वो लॉग एल की वैल्यू हो जाएगी। हाँ समझा, ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लें, फिर हम इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन में चालू करने वाला हूँ। आई थिंक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल्स काफी डीप में गए हम लोग, इसके काफी कुछ क्वेश्चंस किया, इसमें हमने लेबनीज रूल भी देखा है, इसमें कुछ एडवांस लेवल के जो प्रॉब्लम आते हैं वो भी देखा है, इसको लिख लें और फिर हम बढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। ये भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कैलकुलस का इम्पोर्टेंट पार्ट है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशंस तो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस होता क्या है, है ना, क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस? तो नाम से ही जैसे लग रहा है आपको कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है, जिसमें कुछ dy / dx जैसा कुछ चीज दिखे, है ना, अगर देख तो कुछ आपको नहीं मालूम है तो डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इतना ध्यान में रखिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक इक्वेशन जिसमें dy / dx जैसा कुछ चीज दिखे या कुछ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट उसको बोलते हैं, ठीक है, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। आपको डेफिनेशन भी मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये टाइप ही कर देता हूँ पूरा, ये तो डेफिनेशन हो जाएगा एन इक्वेशन, एन एन इक्वेशन कंटेनिंग एन, हाँ एन इक्वेशन कंटेनिंग an independent, an equation containing an independent variable an equation containing an independent variable and differential coefficient ka meaning kya hai maine bataya tha, what is the meaning of differential coefficient, डेरिवेटिव, राइट, डेरिवेटिव ही होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, कुछ अलग नहीं होता है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, independent variable is called differential equation. किसी का तो ये है माइक ओपन है, ऑन है, सो जस्ट म्यूट योरसेल्फ। तो ये डेफिनेशन हो गया, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, राइट, इसको लिख लीजिए, an equation containing an independent variable
Okay. So, an equation containing an independent variable and differential coefficient of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation. Simple एक example में जैसे मैंने बताया कि differential equation obviously एक equation होगा but उसमें dy by dx जैसा कुछ चीज हो सकता है d2y by dx square जैसा कुछ चीज हो सकता है right उसको हम लोग क्या बोलते हैं differential equations बोलते हैं right अगर मैं एक example दूं कि d2y by dx square equal to 4x तो ये क्या है differential equation simple ठीक है if I give you another example like d3y upon dx cube to the power 2 plus 1 plus dy upon dx to the power 3 equal to 0 d3y by dx cube to the power 2 plus 1 plus dy by dx the whole cube equal to 0 ये भी क्या है differential equation है even if I give another example like y equal to x dy by dx plus s square root के अंदर में 1 plus dy by dx का whole square ये सारे क्या है differential equation के example है ठीक है ये example पहले लिख लिया जल्दी से लिखो फटाफट इतना आगे बढ़ेंगे पहले पूरी बातों को सुनेंगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं मैं बताऊंगा धीरे धीरे तो हमको यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है मान लो y जैसे जिस तरीके से ये एग्जांपल मैंने दिया है और उसकी वैल्यू सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड करती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ठीक है इनफैक्ट आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे आप ठीक है तो वहां भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है बट इसका एडवांस वर्जन रहेगा बट बेसिक्स भी इसका जो हम पढ़ रहे हैं वहां पे यूज होगा ठीक है सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान में रखना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये होता है कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच राइट इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल लेट्स से y डिपेंड्स ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल व्हिच इज x उसको हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं ठीक है तो ये डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा बट कहीं आपको दिखे तो जस्ट मैंने बता दिया सर कैन यू रिपीट दैट स्टेटमेंट अच्छा यू वांट टू राइट या यस सर या A differential equation, I will also write here. A differential equation in which the dependent variable let's say y depends only on one independent variable say x is called an ordinary differential equation
ordinary differential equations. मैं डी ई लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. अब एक आइडिया मिला कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपन बोलते किस पर, बट उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है समथिंग बट ऑर्डर एंड डिग्री. सीईटी में हर साल एक या दो क्वेश्चन इससे पक्का फिक्स रहते हैं और जेई मेंस में बहुत मतलब इससे भी दे में आज के बहुत बार पूछा है. ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री होता क्या है. ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. आई होप कि सबने लिख लिया है. सो टॉपिक डिफरेंशियल कैलकुलस में ये भी आता है क्या? हाँ, एम टू जो है पूरी कैलकुलस ही है तो आप लोग पढ़ रहे हैं. नहीं सर, वो एक टेस्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक है तो ये हाँ उसके भी बारे में मैं बता दूंगा. डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब बेसिकली नहीं वो मैं आपको बताऊंगा अभी. वो कौन सा आई थिंक दैट विल बी पेपर नंबर 6 राइट? यस सर, नेक्स्ट बहुत आगे. हाँ तो उसका भी मैं पूरा कंटेंट बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है. मोस्टली वो डिफरेंशिएशन है तो उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं क्या मैं बता दूंगा, तो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा. तो पहले फिफ्थ पे फोकस कर लो, देन आई विल टेल यू कि ये चैप्टर्स इसमें पढ़ना. ठीक है, मोस्टली हो सकता है कि जस्ट मैं बता सकता हूँ, मतलब कल परसों मतलब नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ पक्का. ठीक है, हो गया ये डिफरेंशियल कैलकुलस. मतलब जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ, बेसिकली वो चैप्टर्स जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है. ठीक है, सो दैट विल ऑल कम अंडर डिफरेंशियल कैलकुलस. और एग्जैक्ट आपको चाहिए तो जस्ट मैं आई जस्ट गो थ्रू द पेपर वन सेकेंड और फिर मैं आपको बता देता हूँ. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे लिखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ऑर्डर क्या होता है, पहले हम ऑर्डर के बारे में समझते हैं. बहुत लोग सोच रहे होंगे, वो आप सही सोच रहे हो. ठीक है, ऑर्डर का मतलब हो गया द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. लिख लो पहले द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ the order of the differential equation is the order of the highest order derivative is the order of the highest. ऐसे बोलते हैं ना first order derivative, second order derivative. तो उसका order जो highest आता है वो order होता है differential equation का. is the highest ordered derivative appearing in the equation. Order मतलब the order of a differential equation is the order of the highest order derivative appearing in the equation. ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर जो होता है वो होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर. अब आप बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हो, तो एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा. जैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy / dx = e to the power x. ठीक है, और एक एग्जांपल दे रहा हूँ d2y upon dx square plus y equal to 0. तो देख रहे हो हर इक्वेशन में कुछ तो dy / dx है या तो d2y / dx square कुछ तो है. dx cube plus
x square into d2y by dx square whole to the power cube equal to 0. अब इसमें ऑर्डर के बारे में अगर बातचीत में करूं, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है बताइए, इसमें तो ऑर्डर क्या है वन ही रहेगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है वन है, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, डी वन बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑर्डर वन, इसका ऑर्डर क्या है देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिवाइड डी टू है, तो ऑर्डर हम इसको बोल रहे हैं जितना बार डिफरेंशिएट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा टू, यहां पे ऑर्डर क्या होनी चाहिए बताइए, यस व्हाट शुड बी द ऑर्डर, सिक्स, नो सिक्स नहीं, ये मल्टीप्लाई कभी भी नहीं कर सकते हैं, थ्री, हाँ परफेक्ट, थ्री 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 थ्री, ये मैक्सिमम थ्री है ना, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, ये जैसे होता है ना जैसे साइन थीटा, तो थीटा को जैसे हम साइन से अलग नहीं कर सकते हैं वैसे ही हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हाँ अगर कुछ तो इसका होल टू दी पावर कुछ रहता तो हम वो अलग बात होता, बट दिस इज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तो टू है और यहाँ पे क्या है थ्री है, हमने क्या लिखा है कि ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, तो ये थ्री ऑर्डर का है यहाँ पे थर्ड विच इज हाईएस्ट, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा थ्री होगा, क्लियर है क्या, क्लियर है ये बताइए, इसको लिख लिया फिर मैं डिग्री के बारे में थोड़ा बता दूंगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है, तो जस्ट लेट मी टेक अ क्विक रिकैप, तो द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो भी ऑर्डर होता है उसका हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर होता है, मतलब अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो जो पावर जो ऑर्डर हम लोग निकालते हैं ना उसका जो पावर होता है वो डिग्री होता है, और डिग्री निकालने के लिए जरूरी है कि जो जो भी पावर्स हैं वेरिएबल्स के, ठीक है, व्हेन ऑल द डेरिवेटिव्स आर मेड फ्री फ्रॉम नेगेटिव फ्रैक्शन, मतलब जो डेरिवेटिव की जो पावर्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में भी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ओके हो गया डन, फिर ये भी बताए कि पॉलिनोमियल इसी चीज को पॉलिनोमियल इक्वेशंस की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाना चाहिए, डन सर, ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताना है, ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर टू साइनिक, तो एक क्वेश्चन जस्ट मुझे समझा देने दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू साइन एक्स, ठीक है, तो ऑर्डर क्या होनी चाहिए बता दो, ऑर्डर जो आपको बताया मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा टू, राइट, ये डी टू ये टू हो गया, और डिग्री क्या होगा बताओ, हमने क्या लिखा है यहाँ पे डिग्री के लिए पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना है वन है ये पूरा, तो ये डिग्री वन हो जाएगा, ऑर्डर टू डिग्री वन, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है, देखिए क्यूब रूट ऑफ वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका जरा ऑर्डर डिग्री बताएं आप, सोचकर जल्दी जल्दी में जल्दी में, जब क्यूबिक और बोथ साइड जब आप करोगे तो क्या होगा एक क्यूब रूट हट जाएगा, तो सिंपली वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, अब बड़ा सिंपल सा दिख रहा होगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा आप देखो,
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो टू दिख रहा है और डिग्री क्या हो जाएगा उसका पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब थ्री, ऑर्डर टू डिग्री थ्री। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे ऐसे, वाई डैश डैश का होल स्क्वायर ट्रिपल डैश प्लस थ्री वाई डबल डैश प्लस थ्री एक्स वाई डैश प्लस फाइव वाई इक्वल टू जीरो बता दो। आप देख के भी आंसर दे सकते हो उसे। यस, वरदा सही है, श्रुति सही है, करेक्ट, हेमंत सही है, करेक्ट करेक्ट। और लोग बताएं। हाँ सोम जरा डिग्री चेक कीजिए, डिग्री हमने जल्दी जल्दी सब गलती किया है, एक बार जस्ट चेक इट आउट, ऑर्डर सही है डिग्री? हाँ परफेक्ट, सुबह सही है। तो देखो डिफरेंशिएशन में वाई डैश का मतलब क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश का मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया सिंपल थ्री, और डिग्री क्या होता है ऑर्डर की पावर जो होता है, तो डिग्री टू हो गया। ठीक है, जरा ये बताओ, ये जरा सोच कर बताना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। हम यहां पे कुछ बता सकते हैं क्या? जरा सोच कर आंसर देना आपको। यस वरदा, परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही। बाकी इश्यूज बता दो। नहीं सुहा, ऑर्डर ठीक है, डिग्री गलत हो गया। सी ये वाली जो लाइन हमने बताया था ना इम्पोर्टेंट है, हेमंत परफेक्ट परफेक्ट बिल्कुल सही, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने लिखाया था एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव वाली लाइन। श्रुति जो है ना यहाँ पे वो जो मैंने एक्सप्रेशन बताया था ना ऑर्डर, ऑर्डर वन होगा बट डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, समझ में आया ना? और जो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है दैट इज ओनली फॉर डिग्री। हाँ इस प्रूव सही है। श्रुति तुम ये बता रही है कि ऑर्डर भी डिफाइंड नहीं होगा ऐसा कुछ? और नहीं सर, ऑर्डर वन है और डिग्री डिफाइंड। ओके 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 परफेक्ट परफेक्ट, देन इट्स ओके। ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, वन होगा और डिग्री यहां पे क्या हो जाएगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में उसको एक्सप्रेस अपन नहीं कर सकते, डिग्री विल नॉट बी डिफाइन।
ठीक है। सिमिलर और एक एग्जांपल, क्योंकि जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तो कोई भी बता देगा, इसी तरीके के कुछ तो सिमिलर आपसे पूछ लिया जाएगा। ये बताओ अगर ये दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पावर टू प्लस कॉस ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो, इसका ऑर्डर डिग्री बताइए। ये सामने दिख रहा है ना? हाँ यस हेमल सही है। सो हम टू टू नहीं होगा, डिग्री एक बार चेक कर लो। यस सुहा सही है, श्रुति करेक्ट है, कृष्णा सही है, वरदा करेक्ट है, करेक्ट अथर्व नहीं, ऑर्डर ठीक है, डिग्री गलत हो गया आपका। यस करेक्ट करेक्ट सो हम करेक्ट। तो क्लियर है, हम इसको पॉलीनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर दिख रहा है हमको टू है, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। एक लास्ट क्वेश्चन ऑर्डर है डिग्री से रिलेटेड, एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ वन प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर इसके जरा बताइए ऑर्डर एट डिग्री क्या होगा। यस सुहा सही है, श्रुति सही है, यस हेमल करेक्ट करेक्ट। कैन यू सो प्रीवियस पेज फॉर वन सेकेंड। हाँ जी वरदा सही, यस ऑर्डर टू डिग्री वन करेक्ट करेक्ट। कृष्णा सही है, सारे स्टूडेंट्स के आने चाहिए आंसर्स। थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया okay. चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ा मन कर रहा है ये भी क्वेश्चन दे दूंगी ऑर्डर एंड डिग्री से। क्वेश्चन अगर कुछ ऐसे मान दे दिया मैंने डी टू वाई, अच्छा सॉरी ये तो बताया ही नहीं ना मैंने, तो देखो ये आसान है, आप एक्सपेरिमेंट बोथ साइड्स कर लो ठीक है। तो एक्स प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर रूट हट जाएगा, रूट हट गया तो वन प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर टू आ गया। इसको ए प्लस डी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लिया तो ए स्क्वायर
प्लस बी ए स्क्वायर मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी वन प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इनफैक्ट जी ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच गया यहाँ पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया ऑर्डर जो है यहाँ पे टू आ जाएगा डिग्री बन आ जाएगा लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ इक्वल टू वाई प्लस dy upon dx to the power 4 4 to the power 1 by 3 बताओ d2y by dx square to the power half equal to 1 plus dy by dx to the power 4 4 to the power 1 by 3 सो हम एक बार चेक कीजिए एक बार चेक कर कीजिए वरदा एक मिनट वरदा ऑर्डर सही लग रहा है डिग्री मुझे गलत लग रहा है श्रुति सही है परफेक्ट श्रुति सही है डिग्री एक बार चेक करो वरदा हाँ हेमल सही है करेक्ट ध्यान देना कंफ्यूजन बहुत होता है बार बार मैं बता रहा हूँ डिग्री वो होता है जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका पावर राइट इश्ना सही है करेक्ट तो हाँ यस वर्दा सही है अभी करेक्ट नहीं डिग्री डिफाइंड है सुबह यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है सर लेकिन ये तो फिर फ्रैक्शन में आएगा ना हाँ फ्रैक्शन में आएगा ना फिर यहाँ पे फ्रैक्शन में आएगा नहीं फ्रैक्शन में तो नहीं आना चाहिए मतलब उसको तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा नहीं सो सर मैंने बाद में भेजा वो सही था हाँ 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 सही है मैंने बताया सर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा सही है सर वो इक्वल टू साइन है कि माइनस का साइन है बीच में इक्वल टू रहेगा ना इक्वेशन है तो इक्वल टू रहेगा तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैं तो यहाँ पे पहले मैं पावर थ्री कर देता हूँ ठीक है स्टूहा ऑर्डर सही है डिग्री गलत हो गया फिर से ठीक है आइए देखते हैं तो अगर मान लो मैंने मान लो क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स किया ठीक है ऐसे ले लिया डी टू वाई by dx square का पावर क्यूब और का स्क्वायर रूट ठीक है ऐसे भी लिख सकते हैं ना मतलब चलो ऊपर मैं लिख दू नहीं तो आप बोलोगे सर क्या भी आपने 3/2 लिख देता हूँ चलेगा इक्वल टू जब यहाँ पे क्यूबिक ऑन बोथ साइड्स करोगे तो ये तो खत्म हो गया y प्लस dy by dx टू द पावर 4 हो गया रही बात ये फ्रैक्शन में है तो फिर हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब अपन करेंगे ठीक है तो ये क्या बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर क्यूब इक्वल टू ये कितना बन जाएगा वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर फोर का होल टू दी पावर स्क्वायर बन जाएगा बिकॉज स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की अब कुछ भी करो ये कितना भी बड़ा मान लो 2011 भी पावर होता है
तो इसमें तो ऑर्डर पे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये तो ऑर्डर तो इसका वन ही है डीवाई बाई डी एक्स, इसका पावर ही चेंज होगा। जब ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो यानी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा, ये टू है और डिग्री कितना होता है इसका जो पावर है, तो ऑर्डर टू डिग्री थ्री राइट। सो इसका जो आंसर है ऑर्डर टू डिग्री थ्री, बताइए क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। ठीक है समर्थ क्लियर है क्या? ओके संस्कार क्लियर है? आदित्य क्लियर है? समझ में आ रहा है आदित्य? अथर्व समझ में आ रहा है? सर गुड। वैदे ही समझ में आ रहा है क्या? वैदे ही ओके 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 फाइन। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर एंड डिग्री हमने देखा, डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर एंड डिग्री देखा। अब जो नेक्स्ट इसमें आता है समथिंग कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं? तो लिखिए फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो पहले हम छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कोई तो एक नॉर्मल सा एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको उससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात बोलूं तो जो भी रिलेशन दिया गया रहेगा आपको, ठीक है, उसमें कुछ तो कॉन्स्टेंट रहेगा, ध्यान देना, कुछ तो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो उसको डिफरेंशिएट करना रहता है और हमको कॉन्स्टेंट को एलिमिनेट करना रहता है बेसिकली। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देकर भी बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराना नहीं है। व्हाट आई टोल्ड, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं? तो ऑब्वियस ही बात है उसमें डीवाई बाई डीएक्स जैसा कुछ चीज दिखनी चाहिए, डी टू वाई बाई डीएक्स स्क्वायर जैसा कुछ चीज दिखनी चाहिए। बट एक चीज ध्यान में रखना है कि कोई एक इक्वेशन रहेगा, अब उस इक्वेशन में एक कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली ये कोई रूल नहीं है बट एक पैटर्न फाइंड आउट किया गया है कि जितने, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ, जैसे मान लो y इक्वल टू है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, एंड हियर a एंड b आर, हियर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो ये एक इक्वेशन दिया है, अब मुझे एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसे प्रिपेयर करना है, फॉर्म करना है। तो रूल ये होता है, ऐसे आमतौर पे देखा गया है कि जितना बार जितने कॉन्स्टेंट रहते उतने बार हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ध्यान में रखेंगे जितना बार कॉन्स्टेंट, ऐसे देखा गया है कि हमको कैसे भी करके कॉन्स्टेंट को हमको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या है कि हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बिकॉज कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और जैसे जब हम डिफरेंशिएट करना चालू करेंगे तो कुछ तो डीवाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ हमको टर्म्स दिखेगा। तो ये चीज ध्यान में रखें, अभी बिकॉज स्टार्टिंग है आपका तो ये आपको प्रैक्टिस से खुद आपको पता चल जाएगा। तो जनरली जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आते हैं उतने टाइम्स उतना बार हमको डिफरेंशिएट करना रहेगा। लाइक एक इस क्वेश्चन को देखिए, इतना तो आइडिया जरूर लग गया होगा, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है ये अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा तो टू ऑर्डर का होगा उसका ऑर्डर, क्योंकि दो कॉन्स्टेंट है, दो बार डिफरेंशिएट हमको करना पड़ेगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसा कुछ तो चीज दिखना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि जो मिनिमम, लेकिन कोशिश करते हैं ना कि मिनिमम टाइम्स हम डिफरेंशिएट करें। अगर
मिनिमम टाइम में भी आ जा रहा है आपको डिफरेंशिएट करने से, तो हम जो मिनिमम ऑर्डर जो है कम से कम हम कोशिश करते हैं रखने का। तो ये भी मैंने दोनों चीज बताया कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स रहेगा उतने नंबर ऑफ टाइम्स हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है एलिमिनेट करने के लिए। अगर ऐसा कुछ केस आता है कि आपको बहुत जल्दी ही आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है तो इट्स टू गुड, प्रेफरेंस हम उसका देंगे, बट ऐसे बहुत रेयर होता है, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बताता हूँ, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मुझे फॉर्म करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिफरेंशिएट करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax और बी का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, बी का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपको यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन ए हटा क्या, नहीं हटा, यहां से ए नहीं हटा है। तो मान लो इक्वेशन नंबर 1, फिर से हम डिफरेंशिएशन और एक बार करेंगे। ठीक है, तो और एक बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो दिस विल बिकम d2y dx स्क्वायर इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब 2a आ गया। इक्वेशन नंबर 2 है, ओके। अब मुझे a और b को कुछ तो ऐसे एलिमिनेट करना है, सिंपल। ठीक है, a और b को हमको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। तो क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो a की तो वैल्यू मिल जाएगी लेकिन b के बारे में क्या सोच रहे हो। तो यहाँ पे अब यही दिमाग लगाना होता है, मान लो इक्वेशन 1 और 2 है। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 है तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा आसान तो बन ही जाएगा, हमको कॉन्स्टेंट से मुक्ति चाहिए ना, कॉन्स्टेंट हमको नहीं चाहिए, सिंपल। तो अगर मैं 2ax को डिवाइड बाय dx है, तो अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं इक्वेशन सेकंड में, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय x, मुझे क्या मिल जाएगा, x d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 2ax, और 2ax की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या रख सकते हैं, dy/dx। तो ये आ गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, x d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू dy/dx। तो ये जो बन गया आपका, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यही होगा आपका आंसर। समझ में आया क्या, ये बताओ पहले, बिकॉज a और b कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको, और हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया, बताइए क्लियर है। सोच रहे हैं सर, बहुत आ गया है ना, तो अब एक पैटर्न दिमाग में अगर आ रहा है ना कि ये कैसे, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिस तरीके से आप, वही तो सोचते हैं हमको। तो हमको एलिमिनेट हमने दो बार डिफरेंशिएट किया, और कॉन्स्टेंट नहीं दिखनी चाहिए, तो कॉन्स्टेंट की जगह हमने x से मल्टीप्लाई किया ताकि इसका वैल्यू डी वाई डी एक्स कर दिया, और ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताइए समझा क्या, क्या बोलते हैं कड़ालक का, डिड एवरीवन अंडरस्टैंड, समझा सर? यस सर। सब लोग इतने सीरियस बैठे हुए हैं ऐसे लग रहा है, हाँ मतलब समझने के लिए तो सीरियस ही होना पड़ेगा, बट आई होप कि क्लियर है। ठीक है, हम इसको लिख लीजिए, आप हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। संस्कार समझ में आया, आदित्य, समर्थ, सोहम, इश्ना, समीक्षा, अथर्व चौहान, ओके दोनों अथर्व, मधुरा, मानस, निधि, समर्थ, श्रुति, स्पुआ, सभी लोग वैदी। चलिए ठीक।
ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे आपको कर रहे हैं ना, इजी वाला कुछ देखते हैं फिर हम तो अच्छे लेवल्स का देखते हैं, देखते हैं बस। इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी है, ठीक है, लिखिए y equal to question, लिख लो form the differential equation by eliminating arbitrary constraints, c1 and c2 लिख सकते हैं, या just form the differential equation, heading डाल दें form the differential equation, form the differential equation, right? So a question is y equal to a e to the power 5x plus b e to the power minus 5x. बताइए जरा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा फाइनली, वो बता दें मुझे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट है e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x बट tan रूल 5x का डिफरेंशिएशन 5 प्लस b e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x माइनस 5x का माइनस 5, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है 5 a e टू द पावर, हाँ इतना सही है, करेक्ट करेक्ट, 5 a इंटू e टू द पावर 5x माइनस 5 b e टू द पावर माइनस 5x, अभी भी कुछ तो दिख नहीं रहा यहाँ से, तो और एक बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, सो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, ये कितना जगह 25 ए ई रेस टू 5x, फिर माइनस माइनस प्लस 5 ये हो जाएगा प्लस 25 बी ई रेस टू माइनस 5x, बड़े आराम से आप क्या कर सकते हो, 25 कॉमन निकाल लो, और मुझे जो दिख रहा है a e to the power 5x plus b e to the power minus 5x, तो आपको मिल जाएगा d2y by dx square equal to 25, इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, what we can write here, a e raise to 5x plus b e raise to 5x, यहाँ पे y, yes correct, y आ गया, हो गया आपका यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 25y, खूब कर लो कि कॉन्स्टेंट को बस एलिमिनेट करना है एंड विल गेट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको लिख लें, किसी भी इश्यूज में कोई डाउट है तो बताइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आज फॉर्म ही करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, इसमें बहुत ज्यादा कुछ तो शायद नहीं हो पाएगा, बट आज बस डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मेशन पर ध्यान करें, समझ में आया तो बताइए, आगे बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं,
लिखिए फॉर्म द डिफरेंस कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही फॉर्म करना है अगर y इक्वल टू जैसे दे रहे हैं साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इनटू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस b बताइए y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इनटू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस b दो कॉन्स्टेंट तो दिख रहा है यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है तो ये बिल्कुल थोड़ा अलग क्वेश्चन था यहाँ पे y इक्वल टू ठीक है प्लस मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा दिमाग अगर मैं लगा लूँ cos inverse x को कहने रहे 90 माइनस sin inverse x प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं यस सर एक मिनट हाँ वेरी गुड शुड बी परफेक्ट परफेक्ट सही है परफेक्ट है मधुरा थोड़ा थ्री नहीं है अगेन यहाँ कुछ तो थोड़ा बहुत गलत हो रहा है मैं इस मेथड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अपने तरीके से और देखते हैं कि बाकी लाइक श्रुति ने अगर कुछ आप भी बताना कि आपका मेथड कुछ अलग है कुछ मतलब ऐसे ही कुछ किया सो cos inverse x की जो वैल्यू है cos inverse x की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे 90 माइनस sin inverse of x राइट प्लस b अब मैं क्या करता हूँ इसको एक्सपेंड कर देता हूँ लाइक ये तो sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस राइट ये कितना हो जाएगा sin ही पहले लिख देता हूँ यहाँ पे माइनस ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस पाई बाई टू ए प्लस बी ठीक है ऐसे लिख दिया अब यहाँ पे ध्यान देना अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इसको ठीक है जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस x स्क्वायर एज्यूमिंग कि कुछ डिफरेंशिएशन में किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा a बाय sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर ये रहा कांस्टेंट तो ये बन गया x का डिफरेंशिएशन 0 ठीक है अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पे स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस x स्क्वायर dy / dx इक्वल टू इक्वल क्या बन जाएगा यहाँ टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस ए जब स्क्वायरिंग और बोथ साइड जब मैं कर लूंगा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर फोर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए मतलब टू जो फोर ए साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस बी ए स्क्वायर अब जरा बताना आप इसी चीज को यहाँ पे y इक्वल टू दिस है ठीक है y इक्वल टू दिस है यहाँ पे ए स्क्वायर को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा ठीक है अगर यहाँ पे ध्यान से देखना ये फोर टाइम्स है फोर टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर 4 times of a sin inverse of x अगर मुझे 4 times of अगर मुझे ये लिखना है 4 times of pi by 2 a plus b पूरा अगर मुझे 4y मैं actually मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं set करने का कोशिश कर रहा हूँ इसको ना मैं 4 times of y कुछ तो लिख डालू यहाँ पे कुछ add subtract करके तो is this okay देखो 4y अगर मुझे लिखना पड़ेगा तो 4 sin inverse x का होल स्क्वायर माइनस 4 a sin inverse x यहां से देखो यहां से मैं मुझे ऐड क्या करना पड़ेगा यहां पे देख लेना यहां पे ऐड में ब्लू कलर से ऐड कर रहा हूं प्लस
प्लस 4 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 ए, मतलब कितना हो गया, ऐड करना पड़ेगा 2 पाई ए, ठीक है, प्लस 4 बी। अब इतना ऐड किया तो इतना सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, 2 पाई ए माइनस 4 बी। अब जरा ध्यान से देखना, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को ए स्क्वायर साइड में रख रहा हूं, ए स्क्वायर में साइड में रख देता हूं, प्लस ए स्क्वायर, ये क्यों मैं दे रहा हूं, तो इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, और कुछ अगर दिक्कत नहीं है तो क्या मैं इसको 4y माइनस 2 पाई ए माइनस 4b प्लस ए स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, ये बताओ, दिस इक्वल टू दिस, कैन बी राइट लाइक दिस, समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है तो भी बताएं कि समझ में आ रहा है, सो डेट ताकि मुझे डरने की जरूरत ना हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा। ये जस्ट हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया सिंपल, इसी में ए स्क्वायर उसको साइड में रख दिया है, एडजस्ट किया है, इतना ऐड किया है इतना सब्ट्रैक्ट किया है, और यहां से लेकर यहां तक हम 4 टाइम्स, ये y इक्वल टू दिस, तो 4 से सब में मल्टीप्लाई है, सो आई कैन राइट 4y माइनस 2 पाई ए माइनस 4b प्लस ए स्क्वायर। इज इट ओके और नॉट, यहां तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं यहां पे ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y माइनस 2 पाई ए माइनस 4b प्लस ए स्क्वायर। अब फिर से मैं क्या कर रहा हूं, और एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, और एक बार अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग वंस अगेन, जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे प्रोडक्ट रूल यहां पे लग जाएगा, है ना, तो dy by dx का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ dy by dx, मतलब 2 into 1 minus x square as it is into dy by dx, सही है, 2 टाइम्स ऑफ dy by dx into 1 minus x square, ठीक है ना, इंटू डीवाई बाई डी एक्स फिर से आएगा क्या, 1 मिनट, यहाँ पे हम किसी एक को डिफ्रेंशिएट के, मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉन्स्टेंट रखता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डीवाई बाई डी एक्स इंटू आएगा, और एक बार डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x इंटू डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये तो सारे कांस्टेंट है, इस फॉर्म में हमने क्यों किया पता है क्या, सारे कांस्टेंट आ जाएंगे बड़ा आसानी से, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू 4dy/dx। अब कुछ बचा नहीं है एक्चुअली, तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy upon dx into d2y by dx square minus 2x into dy by dx ka whole square equal to 4 times of dy by dx. So, dekho, actually 2 dy by dx hum common nikal lenge yahan se, 2 dy by dx main common nikal leta hu yahan se, to we'll be getting 1 minus x square d2 upon dx square minus x dy by dx, ठीक है, equal to 4 dy by dx, तो dy by dx गया और 2 to जब 4 गया, जो final जो answer जो आ जाएगा differential equation का, 1 minus x square d2y by dx square minus x dy by dx equal to, ये required differentiation है,
समझ में आएंगे। श्रुति आपने कैसे किया था, ऐसे ही किया था या कुछ अलग किया था? सर आपने फर्स्ट पेज में दिखा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। जो व्यू वाला एरो है ना, वो जो इक्वेशन है उसको ही यहाँ पे नीचे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वो वाला उसको ही मैंने डिफरेंशिएट किया और बाद में वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। ओके, ए एलिमिनेट हो गया। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ करेक्ट। तो कहीं ना कहीं अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद ले ली, या जैसे यहाँ पे श्रुति ने बताया कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ सिंगल कॉन्स्टेंट बच जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन आसानी से उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। मैं भी अच्छा दिमाग लगाया उसे, ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं। वर्गा क्लियर हुआ क्या, क्या गलती हुई थी या कुछ? यस सर, समझा दे। ओके ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आया क्या? यस सर, क्लियर है। सिर्फ इस स्लाइड के लास्ट स्टेप और अगले स्लाइड के फर्स्ट स्टेप का ट्रांजिशन एक बार बता सकते हो क्या? इसका फर्स्ट शुरू का स्टार्टिंग में बताना है एक बार फिर से? नहीं नहीं, इसका लास्ट स्टेप है ना। हाँ हाँ हाँ, उसका उसके बाद का स्टेप से। ओके, मतलब इसी पेज में ना, ये वाला जो हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया ना। ओके तो देखो यहाँ पे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू साइन इनवर्स एक्स माइनस ए आया था, ये अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आया था। इसके बाद हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर डाला। इसके बाद जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया तो अंडर रूट वन माइनस एक्स ये रूट हट जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसका जब हमने स्क्वायर किया तो पहले समझ लेने के लिए कंफ्यूजन हो सकता है, तो ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर इधर लिख दिया है, माइनस टू ए भी मतलब ये आ गया, ठीक है। अब फिर हमने क्या किया, इसी में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करने के बाद हमने इतना एड सब्ट्रैक्ट किया, 2πa + 4b - 2πa - 4b इतना ऐड सब्ट्रैक्ट किया। ऐसा क्यों किया, तो हम मुझे थोड़ा यहाँ से कुछ तो क्लू मिला कि अच्छा यहाँ पे 4 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर है, माइनस 4 a sin इनवर्स x है, तो फिर सोचा अरे कितना अच्छा होता कि अगर मैं ये 4b होता और यहाँ पे 2πa होता तो मैं इसको डायरेक्टली क्यों ना 4y लिख देता, तो छोटा दिखता, तो इसीलिए हमने इतना ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तब यहां से लेकर यहां तक लाइक 4 sin inverse x का होल स्क्वायर माइनस 4a sin inverse x प्लस 2πa प्लस 4b, इसको अगर मैं 4y मल्टीप्लाई कर दूं सो दिस विल बिकम 4y, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमने क्या लिख दिया, 4y लिख दिया माइनस 2πa माइनस 4b प्लस a स्क्वायर। अब बस इसके बाद में एजिटिश वही लिखा, फिर हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये तो पूरा रहा कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। हां यस सर, समझा मुझे, ठीक है ना। फिर बाकी एजिटिश नॉर्मल डिफरेंशिएट को फिर आंसर सर वो पहले वाले स्लाइड दिखाई है ना? हाँ, तो इस लेवल का अगर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा एडवांस में तो कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि इससे मतलब एक बेसिक्स लेवल है, एडवांस का जो इजीएस्ट क्वेश्चन हो सकता है कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, मतलब ऐसे ही कुछ हो सकता है।